ढाका टेस्ट में विराट कोहली का बुरा दिन। पहले छोड़े चार कैच, फिर सस्ते में आउट होने पर खोया आपा। टीम इंडिया ने खराब फील्डिंग की, उसने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कई मौके दिए। कैच छोड़ने वालों में अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली के सबसे आगे रहे। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में से एक है, लेकिन टेस्ट के तीसरे दिन चार कैच टपका दिए। विराट जब आउट होने के बाद पवेलियन लौट रहे थे तो बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम ने उनसे कुछ कहा। इस पर कोहली का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, वह तैजुल की ओर बढ़ने लगे। इतने में अंपायर और बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन बीच में आ गए और कोहली को शांत किया। विराट ने शाकिब से तैजुल की शिकायत की और फिर पवेलियन लौट गए। भारत और बांग्लादेश के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन शनिवार 24 दिसंबर को टीम इंडिया ने खराब फील्डिंग की, उसने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कई मौके दिए। कैच छोड़ने वालों में अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली के सबसे आगे रहे। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में से एक है, लेकिन टेस्ट के तीसरे दिन चार कैच टपका दिए। इसके अलावा वह बल्लेबाजी में भी फेल हो गए। कोहली ने 44वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर लिटन दास को जीवनदान दिया। अक्षर की गेंद लिटन के बल्ले से लगकर स्लिप में गई थी, विराट उस कैच को नहीं ले पाए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर लिटन का एक और कैच कोहली ने टपका दिया, वह गेंद की दिशा को पढ़ नहीं पाए। कोहली ने इसके बाद अश्विन की गेंद पर लिटन का कैच तीसरी बार छोड़ा।